नमस्कार, गुड मॉर्निंग, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। तो भारत की टीम पहुंच गई है सुपर फोर में। उन्होंने कल रात हांगकांग को 40 रन से हराया। अब 40 रन T20 में काफी होते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जहां यह मैच फंसा हुआ था। एक वक्त 10 ओवर में भारत के 70 रन थे। हमें लगा यार हांगकांग को खेल रहे हैं या फिर वेस्ट इंडीज को खेल रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया को खेल रहे हैं, लेकिन सूर्य के आने के बाद अचानक सब कुछ बदला। उन्होंने आकर ऐसी बैटिंग की, उसके बाद विराट कोहली भी उस रंग में रवा हो गए। विराट ने भी बड़े देर बाद एक 50 बनाया है और उनके चेहरे पर खुशी, उनका कॉन्फिडेंस दिखाती है। लेकिन हीरो भारत के मदन जी हैं सूर्य कुमार यादव। तो इनकी पारी पर अगर आप नजर डालें तो उन्होंने बनाए हैं रन 68, गेंदे खेली है 26, 6 चौके हैं, 6 उन्होंने छक्के मारे हैं, इसमें से 4 उन्होंने आखिरी ओवर में मार दिए। और मतलब अगर आप वैगन व्हील देखेंगे आप कहेंगे यार ये बल्लेबाज कहां कहां छक्के मार देता है, ये अपने सिर के ऊपर से मार देता है, ये बॉलर के सिर के ऊपर से मार देता है, ये कहीं पर भी छक्का मार देते हैं। बिल्कुल, देखिए इस खिलाड़ी ने जब से इंटरनेशनल डेब्यू किया है और इनका प्रदर्शन हमेशा अच्छा ही रहा है। ठीक है 2020 क्रिकेट है, इसमें आपके कई कई बार आपका दिन साथ नहीं देते, बट जब भी इन्होंने बैटिंग की है तो ऐसा लगा कि इसने मैच, ये मैच जो खिलाड़ी है मैच जिताएगा, और इन्होंने जिताए भी हैं। और जो इम्प्रोविजेशन है इन्होंने की है, मैं कहना फैंटास्टिक। इस वक्त अगर मेरे से आप पूछें तो वर्ल्ड में जितनी इम्प्रोवाइजेशन ये कर रहे हैं बैटिंग में कोई खिलाड़ी अभी तक मेरे को दिखाई नहीं दिया। डिविलियर्स के बारे में कहा जाता है, डिविलियर्स के बारे में कहा। और विक्रांत, खास बात पता क्या है इसके, इस खिलाड़ी की, पूरा मारता है ये, हाफ नहीं मारता। अगर आप इसके शॉट्स देखें, कहते पावर हिटिंग, विकेट आसान नहीं थी। आज का अगर विकेट देखें आसान नहीं था, ये टेनिस बॉल टाइप कहते हैं ना दुबई में। अच्छा ये दिक्कत है कि विकेटें बहुत ज्यादा सनी भाई अच्छी नहीं मिल रही है। एक वक्त पर आप फंसे हुए थे, 10 में आपके 70 थे, फिर सूर्य ने आकर, विराट ने आकर वहां तक ले गए। लेकिन बड़ी खबर यही निकल कर आई है कि आप सुपर फोर में पहुंच गए हैं। दो मैच लगातार भारत को मिले, दोनों मैच भारत ने जीत लिए। आई एम श्योर बैटिंग इससे इंप्रूव होगी होगी, लेकिन अब यहां से सुपर फोर में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। जिस तरह से उन्होंने अपना नर्व रखा था पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी ओवर में जब मैच खेले, तो जिस तरह से वो ठंडे दिमाग से उन्होंने जीत हासिल की वो तो प्रशंसनीय है। और उसके साथ साथ जिस तरह से आज भी उन्होंने बल्लेबाजी की, मैं चाहता था कि 200 या 200 के ऊपर रन बनाए तो बहुत ही अच्छा होगा, पर खैर कोई बात नहीं, 190 200 के नजदीक तो पहुंच गए। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से उनकी अप्रोच हो रही है, आज जिस तरह से उन्होंने फील्डिंग भी की है, रविंद्र जडेजा का जो रनआउट था, जिस तरह से वो फील्डिंग बन रही है, तो उससे लगता है कि भारतीय टीम आगे जाकर ये एशिया कप जीत सकती है, जीत सकती है। लेकिन सूर्य की बल्लेबाजी के बारे में बताएं ना सनी भाई, क्योंकि मदन जी कह रहे हैं कि भाई मैंने इस वक्त दुनिया में, एबी डिविलियर्स तो चलिए खैर बहुत बड़े बल्लेबाज थे, अगर कोई मिस्टर 360 है तो वो सूर्य कुमार यादव ही है। बिल्कुल, देखिए जो अगर आप एक जब छोटी उम्र में आप बैटिंग सीखते हैं तो वहां पे जो आप सीखते हैं उसका फायदा आगे जाकर भी होता है। और जैसे कि मैंने जब शुरुआत की थी तो मेरे पास की जो बिल्डिंगें थी, बिल्कुल नजदीक बिल्डिंग थी, तो सिर्फ स्ट्रेट ड्राइव मारने से रन मिलते थे। अगर टेनिस बॉल की बात कर रहा हूँ, इस साइड ऑन साइड या ऑफ साइड पर अगर मारते थे तो बिल्डिंग की जो दीवारें थी उसको लगकर फील्डर के पास जाती थी गेंद, तो फिर रन मिलना मुश्किल था। जब स्ट्रेट ड्राइव खेलते थे तो रन बनती थी। बिल्कुल वैसा ही होता है कि जब आप जवानी में आप शुरुआत करते शॉर्ट पैंट में होते हैं, शॉर्ट पैंट का जो आप क्रिकेट खेलते तो वही आगे जाकर आपके लिए बिल्कुल नेचुरल बन जाता है। बिल्कुल आगे का मतलब ऊपर का क्लास का आप जब क्रिकेट खेलते तो फिर वो आसान बनता है। और इसीलिए आज अगर एबी डिविलियर्स के बाद में अगर 360 डिग्री प्लेयर अगर किसी को कहना होगा तो वो सूर्य कुमार यादव है। हालांकि ठीक है विराट ने 44 गेंदे खेली, बट वो ये ना कि आपने 192 रन तो बन गए, इन दोनों की पार्टनरशिप तो हो गई। अब विराट के भी पहले में 35 बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन यहां पर 59 रन बनाए हैं। शायद वो डोमिनेट नहीं कर पाए, लेकिन पारी उन्होंने कंट्रोल वाली खेली है पूरी। बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने कहा कि जब बल्लेबाज विकेट पर समय बिताता है, रन बनाता है, तो कॉन्फिडेंस तो बढ़ ही जाता है। और फिर एक ऐसी बात होती है कि आज हमने इतने रन बनाए, आगे जाकर मैं और भी रन बना सकता हूं। अगर आप जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर आप ये सोचते रहते हैं कि अब मुझे एक रन करने के लिए क्या करना है, क्या मेरी मेरी जो अप्रोच है उसको चेंज करना है, क्या मेरी टेक्निक में कोई गलती आ गई है, तो ये सारे विचार आपके मन में आते हैं। पर जब आपके रन बनते हैं ना तो फिर आप आगे की मैच का इंतजार करते हैं, क्यों, क्योंकि आप ये देखना चाहते हैं कि ये जो आज मैंने किया उससे भी आगे जाकर मैं और भी अच्छा कर सकता हूँ क्या। और कहीं ना कहीं आपको ये मानना होगा कि इस मैच के जरिए हम कोशिश कर रहे थे या एक अवसर देख रहे थे जहां पर भारत के टॉप 3 बल्लेबाज
रन बनाएंगे। विराट ने रन बनाए हैं क्योंकि विराट को वक्त मिला, पहले वक्त मिला और उसके बाद सूर्य कुमार यादव मिले क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने उसके बाद विराट पर से दबाव हटाया और तेज इतनी बल्लेबाजी की। फिर विराट ने भी दो बड़े शानदार टांग लगाकर दो लंबे लंबे छक्के टांगे हैं। इन्होंने स्पिनर्स को विद द टर्न एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलने की कोशिश नहीं की मदन जी, क्योंकि शायद ये उसके टर्न को इतना समझ नहीं पा रहे थे, शायद गेंद अंदर ज्यादा आ रहा था तो ये साइड ऑन होकर इस तरफ ही खेलते रहे। लेकिन भारत के लिए चिंता का सबब है केएल राहुल की बल्लेबाजी, रोहित शर्मा की बल्लेबाजी। अच्छा, रोहित ने फ्लुएंट दिखना है, 13 गेंदे 21 रन बनाए, लेकिन रोहित उस वक्त आउट हुए जहां पर उनको एक बड़ी पारी चाहिए थी। केएल राहुल ने गेंदे खेली हैं लेकिन केएल राहुल की बल्लेबाजी को देखकर मदन जी ऐसा लग रहा है कि वो स्ट्रगल उनकी हर पारी में बढ़ती ही जा रही है। नहीं, स्ट्रगल तो उन्होंने किया है केएल राहुल ने, पर हो सकता है कि यू नो काफी दिनों के बाद आए हैं, इंजरी पूरी उनके पूरी हील हो चुकी है, पर मेरे को लगता है कि थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा इनको, पर जितना जल्दी ये फॉर्म में आएंगे उतना भारतीय टीम के लिए ज्यादा अच्छा होगा। पर आज जो इनिंग खेली है वो केएल राहुल नहीं लगा जो हम जानते हैं, जिसके बाद काफी ज्यादा स्ट्रोक था, इम्प्रोवाइजेशन स्पिनर को इतना फंस गए हैं, तीन चार बार ऐसा लगा कि अब आउट होने की कोशिश कर रहे हैं, ये वाला शॉट खेल रहे हैं, ये उल्टा शॉट खेल रहे हैं। वो दिन होता है ना जब आपका नहीं होता तो नहीं ही होता। और केएल राहुल ने 39 गेंदे खेली हैं, 36 रन है, वो भी हांगकांग के खिलाफ, जो हम शाम को बात कर रहे थे ना कि हल्की टीम, लेकिन हल्की टीम के खिलाफ जब रन नहीं बनते, या आवेश के केस में देखे 4 ओवर में 53 रन है तो लोग उसे पिन पॉइंट भी ज्यादा करते हैं। खैर, बड़ी खबर यही है कि भारत पहुंच गया सुपर फोर में। अगर पाकिस्तान ने हांगकांग को हरा दिया तो फिर पाकिस्तान और इंडिया का सुपर फोर का मुकाबला है वो रविवार को होगा। उधर से अफगानिस्तान पहुंच चुका है, अब पाकिस्तान हांगकांग का विनर, और वहां जाहिर तौर पर पाकिस्तान जीतेगा। लेकिन जो बड़ा मुकाबला एक कांटे की टक्कर रह गई है वो है चौथे स्लॉट के लिए, वो श्रीलंका बनाम बांग्लादेश। ये मैच देखने वाला होगा कि कौन जीतता है।